ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत किए वापस भेज दें। मजीद कहा कि मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है, मैं उन सब से मुआफ़ी मांगता हूँ जो इस बिल से मुतासिर होंगे। मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। उधर ऐवान सदर के ज़राए का कहना है कि सदर ने गैजेट नोटिफिकेशन देखने के बाद ही रद्द अमल दिया है। सदर आरिफ अलवी इस्तीफा देंगे या ऑफिस में रहेंगे इस बारे में इलम नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा कि सदर मुमलिकत के पास 10 दिन थे, दोनों बिल एतराज के साथ वापस क्यों नहीं किए। ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे, अगर सदर का स्टाफ उनके कंट्रोल में नहीं तो ये उनका मामला है। वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा कि सदर के पास सिर्फ 2 इख्तियारात हैं, वो बिल मंजूर करें या उसे एतराज करके वापस कर दें, तीसरा कोई रास्ता नहीं। अगर बिल वापस ना किया जाए तो 10 दिन के अंदर खुद ब खुद कानून बन जाता है। हमें ऐवान सदर से बिल वापस मौसूल हुए ही नहीं तो हमें बिलों पर सदर के एतराज का कैसे पता चलेगा। पीटीआई अदालत जाती है तो ये उनका आईनी हक है। वजारत कानून व इंसाफ का सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तश्वीश का इजहार। वजारत कानून व इंसाफ ने कहा, आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या मामला पार्लियामेंट को भेजें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की। उधर वजारत कानून ने गैजेट नोटिफिकेशन के साथ इंटरनल वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 11 अगस्त से जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 17 अगस्त से मंजूर तसव्वुर होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मिलने पहुंचेंगे। कानूनी टीम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर केसेस के हवाले से ब्रीफिंग देगी। कराची पीटीआई के साबिक रुकन सिंध असेंबली राजा अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कराची के इलाके सदर से गिरफ्तार किया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक राजा अजहर को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत असद उमर की गिरफ्तारी का दावा। विफाकी पुलिस और एफआईए का असद उमर की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजिस्ट्रेट का आज मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। एफआईए ने वाइस चेयरमैन पीटीआई की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यह सियासी बुनियादों पर मन घड़त केस है, मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी है। इस केस में कोई सदाकत नहीं, किसी साजिश का हिस्सा था न किसी साजिश का हिस्सा बनने का इरादा रखता हूं।